नमस्कार दोस्तों, यह है मेरे पास वीवो की तरफ से वीवो का वीवो B27। दोस्तों जो प्रो मॉडल नहीं है, ये सिर्फ वीवो का B27 है। तो दोस्तों इस फ़ोन में मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है, वो है दोस्तों अपडेट। इस फ़ोन में हमें सैमसंग की ही तरह काफ़ी अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम अपडेट देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें दोस्तों इस फ़ोन में हाल ही में एक अपडेट आया हुआ है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो दोस्तों मैंने डाउनलोड तो किया है पर अभी इंस्टॉल नहीं किया। ये देखिए, ये अपडेट दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 204 MB का है, बट इसमें हमें जो मिल रहा है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये देखिए कि आपका दोस्तों सिक्योरिटी पिछले वाला फ़ोन का वो हो जाएगा January 2024 का। और दोस्तों आपके फ़ोन में जो चेंजेस हो गए मिलेंगे वो सब यहाँ पे शो कर दिए गए हैं। यानी दोस्तों आपके फ़ोन में जो दिक्कत आई थी इससे पहले वाले अपडेट को करने के बाद, दोस्तों वो यहाँ पर काफ़ी हद तक फिक्स करने की कोशिश की गई है। तो आप फटाफट से इस अपडेट को अपने फ़ोन में कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप इससे पहले जो अपडेट आया था हमारे फ़ोन में वो था दोस्तों जो फंटस OS है वो 14 वाला, जो दोस्तों एंड्रॉयड 14 के ऊपर वर्क कर रहा था। उस वजह से हमारे फ़ोन में थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी बैटरी को लेके और भी चीज़ों को लेके। तो दोस्तों इसलिए ये नया अपडेट दिया है और जो दिक्कत आई थी वो काफ़ी हद तक फिक्स करने की इसमें कोशिश की गई है, जिससे आपका फ़ोन और भी अच्छी तरीके से वर्क कर सके। तो दोस्तों आपके फ़ोन में अपडेट आया हुआ है तो फटाफट से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, क्योंकि दोस्तों वीवो में क्या होता है, एक बार कोई अपडेट आ जाता है और आपने बाई चांस उसे मिस कर दिया तो वो दोस्तों हट जाता है, तो फिर उसके लिए आपको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में कोई अपडेट आया है तो आप इसे फटाफट से कर लो, और इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन में क्या फ़र्क पड़ा है, क्या क्या दोस्तों अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं, वो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ये पसंद लगी होगी, आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी अगर उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपको इस चैनल को दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।